हेलो गाइस, हाउ आर यू? मेरा नाम फवाद फसोला। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। आप लोग मुझसे शिकायत करते हो कि मैं वीडियो का इंट्रोडक्शन बहुत लॉन्ग कर देता हूं, तो कट द स्टोरी शॉर्ट। आज दो वीडियोस में लेकर आया हूं, छोटे छोटे हैं, एनिमेशन वीडियो हैं। इंडिया वर्सेज चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर ये वीडियोस बनाए गए हैं। तो देखते हैं ये वीडियो किस तरह के हैं। एक एक करके वीडियो देखूंगा, फिर उसके बाद उनका रिएक्शन, रिव्यू और ओपिनियन, जैसा कि मेरा एक फॉर्मेट है वीडियो का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. Hindi Chini, bye bye. Jani, Rajkumar. आसमान में उड़ता था जो बादलों के पीछे, आज आया है ड्रैगन जमीन पे नीचे। ड्रैगन जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता। मेरा नाम है चिन चिन चिन। किस खेत का मूली है तू? यानी तुम्हारे जैसे ड्रैगन फ्लाई हमारे यहाँ उस मूली के खेत पर उड़ते हैं और हम उन पर दवा स्प्रे करते हैं। शेषिंग, ये लो चीनी मोबाइल, चीनी ऐप, चीनी माता। हम खैरात नहीं लेते ड्रैगन फ्लाई। शरीर के लिए देसी गुड़, देश के लिए देसी गुड़। जंग में हम तुम पे भारी है, तुम हमको हरा नहीं सकते। हम तुम्हें हराएंगे और जरूर हराएंगे। बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, लेकिन सीना तुम्हारा होगा। शेर सिंह, हमारे पास नूडल्स हैं, मोमोज हैं, चाउमीन, हमारे पास क्या? मेरे पास सीमा है और इस सीमा के इस पार आने की कोशिश ना करना। शेर सिंह, गुस्सा थूक दो। हिंदी चीनी भाई भाई। ड्रैगन से ये पुराना हो गया, अब नया है हिंदी चीनी बाय बाय। बाय बाय। नाइस वीडियो। एक्चुअली आजकल जो हालात चल रहे हैं इंडिया वर्सेस चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से आई थिंक ये वीडियो बनाना पड़ा एक मोरल बूस्ट करने के लिए। हिंदी चीनी भाई भाई काफ़ी अर्से से हम भी सुनते हैं, फिल्मों में भी सुना है और न्यूज़ में भी, ड्रामों में भी, और लोगों से भी सुना है कि इस तरह की बातें की जाती थी। लेकिन अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि हिंदी चीनी बाय बाय। अब चाइना जो है मोबाइल फोन्स, मोबाइल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेरे ख्याल में पांच में से एक चीज़ इंडिया में जो इस्तेमाल हो रही है वो चाइनीज़ है। तो अब आत्मनिर्भर, अगर मैंने सही पुकारा है, आई एम सॉरी अबाउट दैट, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये विजन है मोदी साहब का। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है, नॉट इम्पॉसिबल, यस डिफ़िकल्ट होगा, टाइम कंज्यूमिंग है और इंडिया इज़ मैसिव कंट्री, लेकिन यह है कि उन पर रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास एक्सपर्टीज़ भी हैं, तो कर सकते हैं। टाइम लगेगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा विजन है, लेकिन इस विज़न को अगर आप आगे लेके जाते हो और चाइनीज़ गुड्स को ग्रेजुअली कम करते हो, तो आई थिंक डेफिनेटली इट इज़ अचीवेबल। लेकिन ये वीडियो ज़बरदस्त बनाया था राजकुमार की आवाज़ में। जाने अब हिंदी चीनी बाय बाय नहीं है, ये पुराना हो गया है, अब है हिंदी चीनी बाय बाय। नाइस वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना। लेट्स स्टार्ट अनदर वीडियो। 36 का आंकड़ा। शाओलिन टेंपल, ओके, लुक्स लाइक अ कुंग फू पांडा। जिंग बिंग जिंग, ओके, आत्मनिर्भर आ गया। वो What
Putin. Okay. Putin. Trump. Here, France. I think. Another good animation. मोरल बूस्ट करने के लिए है, ठीक है. फैक्ट्स एंड फिगर की अगर आप बात करो तो थोड़ा सा दूर है फैक्ट्स एंड फिगर से, लेकिन यह कि इस तरह की जितनी भी वीडियोस बनाए जाते हैं या गाने बनाए जाते हैं या मैसेजेस डिलीवर किए जाते हैं पब्लिक को, वो यही बताने की कोशिश किया थी कि यू डोंट नीड टू वरी, हमारी गवर्नमेंट है उसको संभालने के लिए और हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे. अगर आपको वो 100% जो हो रहा वो दिखा दें तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है. तो ये एक तरीका होता है मोरल बूस्ट करने का और पब्लिक को काम डाउन रखने का. तो ये वीडियो सही था कि भाई जिंग बिंग डिंग लगे हुए हैं हर किस्म के महाज के ऊपर, लेकिन वो हर बार फेल हो रहा है. फिर आत्मनिर्भर मोदी साहब का जो एक विजन है उसके साथ वो हवा में उड़ते हैं और एक पटा करके जादुई ताकत के ज़रिए उसको गिरा देते हैं. लेकिन वो जादुई ताकत क्या है, वो उनका डिप्लोमेसी है विद डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि ट्रंप दिखाया है, जैसे कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को दिखाया है और उसमें पुतिन को दिखाया है. ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि पुतिन तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई एक बयान भी आया है इंडिया की फेवर में या चाइना के खिलाफ, तो उसको साथ क्यों खड़ा किया, आई डोंट अंडरस्टैंड. हाँ, जो उनके ऑलरेडी टाइज हैं बायलेटरल टाइज ट्रेड के और जो आर्म्स डीलिंग वगैरह के, वो कंप्लीट होने के बाद पुतिन क्या करता है आई डोंट नो. लेकिन ये कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई पुतिन ने इस तरह की फेवरेटिज्म की बात की है. लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का होना ज़रूरी था इस पिक्चर में, जो गायब कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन वो ऐसा मिनिस्टर है जिसने खुले लफ्ज़ों में इंडिया की सपोर्ट की बात की है. मेरा नहीं ख्याल है किसी और प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने इतने खुले में आके इंडिया की सपोर्ट की बात की होगी. तो पुतिन की जगह स्कॉट मॉरिसन को होना चाहिए था, ही इज़ मिसिंग. इस वीडियो में कुछ कंग फू पांडा और जॉनी इंग्लिश रीबॉर्न की फील आ रही थी, कुछ सीन उसमें से लिए गए हैं. एनीवेज, पब्लिक को हंसाने के लिए, इंटरटेन करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए ये सब चलता है. मगर मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन है इसमें. आजकल के जो हालात हैं, जो करंट सिचुएशन है, उससे बिल्कुल ही अलग वीडियो है. अगेन वही बात है, मोरल बूस्ट करने के लिए है और पब्लिक को काम डाउन करने के लिए है. आत्मनिर्भर एक अच्छा विजन है, अगर इस पर अमल हो जाता है, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है मेरी नज़र में, तो बहुत आगे जा सकता है इंडिया और उसमें पोटेंशियल भी है, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट. अच्छा, ये दोनों जो एनिमेशन हैं ये इंडिया टुडे चैनल्स के हैं. सबको मालूम है कि इंडिया टुडे का इंक्लिनेशन बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ है और वो गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट करते हैं 100%. लेकिन उस चैनल पे मैंने आज तक नरेंद्र मोदी की ज़बान से जिनपिंग चिंग या चाइनीज़ गवर्नमेंट जो स्वागत कर रही है इंडिया में उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुनी. आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है, डिप्लोमेटिकली वो खामोश हैं या आई डोंट नो क्या रीज़न हो सकता है. अभी लास्ट स्पीच हुई है उसमें भी यही क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि चाइना के हवाले से कोई बात नहीं की गई या उनकी तरफ से कोई इस तरह का इशारा दिया गया है. अच्छा, दोनों वीडियो देखने के बाद मेरे ध्यान में एक सवाल उठता है, वो मैं आपसे उसका जवाब चाहूँगा कि ऐसा लगता है क्योंकि नरेंद्र मोदी भी और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं वो इतना कुछ नहीं कह रहे चाइना के बारे में, मगर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सनसनी फैलाई जा रही है, खौफ फैला हुआ है लोगों में और लोग जो है इरिटेट हुए हुए हैं कि हमें असल हकीकत नहीं पता लग रही. तो क्या ये वॉर सिर्फ मीडिया पर लड़ी जा रही है या असल में सिचुएशन बहुत ख़राब है? सिचुएशन के बारे में अगर देखा जाए तो जो 20 बॉडीज़ आई हैं शहीदों की, ऐसा तो लगता है कि मामला गड़बड़ है. लेकिन कितना गड़बड़ है, हु नोज़. अगर आपको मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. स्टे सेफ, स्टे होम. अस्सलामुअलैकुम एंड गुड बाय.